जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, आए दिन महिलाओं पर रेप के प्रयास हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है, और कोरोना काल में जिन परिवारों पर गमी हुई है, जिनके यहाँ पर मौतें हुई हैं, उनका मुआवजा भी शिवराज सरकार नहीं दे रही है। इस सब के विरोध में युवक कांग्रेस आज काले झंडे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को दिखाएंगे और यहाँ से जबलपुर से उनको वापस लौटाने के लिए हम आंदोलनरत रहेंगे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गिरफ्तार होता है, मोखा का संरक्षक कौन था? आज जितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, जो लोग कोरोना में मारे गए, जिनके परिवारों में दुख है, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया? आज अगर इस बात को लेकर युवा कांग्रेस के लोग आंदोलित हैं, आज अगर वो मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आज आप पुलिस की तानाशाही देख रहे हैं कि हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। और जब जब शिवराज डरता है तो ऐसी तरीके से पुलिस को आगे करता है। ये हमारे प्रजातांत्रिक
अधिकारों का हनन है। हम शिवराज सिंह चौहान जी से बात करना चाहते हैं, या तो पुलिस हमें उनका समय दिलाए, हम उनसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि अंततः जबलपुर के लिए आप क्या देने आ रहे हो, जबलपुर के लिए आपके लिए क्या है। पूरे कोरोना पीड़ितों की आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज व्यापम का भ्रष्टाचारी जबलपुर आ रहा है, अगर हम उसका विरोध करते हैं तो पुलिस आज यहाँ पर क्या कर रही है आपने देखा है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बड़ी संख्या में गिरफ्तारी दी है, उसके बाद भी हमारे युवा कांग्रेस के लोग बचे, अभी काले झंडे दिखाने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।